अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। ये देख लें खाली मग, ठीक है। इसमें मैंने क्या पिया है मुझे तो जाने। इसमें मैंने पिया है एप्पल शेक। एक्चुअली शाम का टाइम था 5 बजे, आज मैंने बिल्कुल भी चाय नहीं पी, ठीक है ना? तो नहीं तो मैं चाय पीती हूँ आज, मैंने पता नहीं क्यों नहीं पी। तो मैं आज तो बच्चों के लिए बना रही थी जो है ना एप्पल शेक, तो फिर मैंने भी एक कप जो है ना उसमें पी लिया। और साथ मैंने ये जो है ना वीडियो भी इसकी रिकॉर्ड की है, आई लॉक्सल की आई क्रीम की। मैंने इसको दो मतलब हफ्तों से ज़्यादा हो गया इसको यूज़ किया है, तो इसको अब आप लोगों ने ना ज़रूर देखनी है ये वाली वीडियो। इसमें मैंने बताया कि इसका क्या रिज़ल्ट आया दो हफ्तों में, ठीक है ना, क्या आप लोगों को लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। और ये एडिटिंग करने वाली पड़ी हुई है। और बस फिर अब इसको जो है ना मैं वापस जो है ना अपनी स्किन केयर की जो बास्केट है उसमें डाल दूँगी। और ये जो कार्डबोर्ड ना मैंने रिव्यू के लिए संभाल के रखा हुआ था, और ये जी मेरी बास्केट जो है स्किन केयर की, तो मैं इसमें डाल दूँगी। अब जी किचन में ड्यूटी दे लें अपनी। अच्छा, ये जो गोभी 2-3 दिन पहले जो मैंने कहा था मैंने काट दी, ये जो कंटेनर में मैंने काट के रखी थी ना, इस तरह जो बिल्कुल फ्रेश रहती है। अगर इसी तरह गोभी को फ्रिज में बैग में रख दिया जाए ना, जो शॉपिंग बैग हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और इतना बड़ा जो अगर फूल हो तो फ्रिज में वैसे ही ऑलरेडी जो है ना क्रिस्पर में नहीं आ रहा होता फिट। तो ये बेस्ट वे है कि उसको कटिंग करके ना, इसको वॉश नहीं करना, सिर्फ कटिंग करके इस तरह किसी भी कंटेनर में रख दिया जब बिल्कुल फ्रेश रहती है। आप 3 दिन बनाएं या 4 दिन के बाद बना लें। तो आज मैं ये बनाऊँगी, इसको मैंने वॉश नहीं किया हुआ तो इसको मैं वॉश करना है। अच्छा जी, ये ऑयल था, मैं वैसे ऑलिव यूज़ करती हूँ बहुत सालों से। तो आप जब ना लेने गए थे ये वाला यूज़ करती थी, तो ये जो ना नोज़ल वाले पाउच होते हैं तो बड़ा इजी होते हैं, ठीक है। आप वो बॉक्स ले आते हैं, उसमें हमें 5 पैकेट्स होते हैं, तो उनको आप स्टोर रूम में रख लो। अगर आपके किचन में इतनी स्पेस नहीं है तो फिर जो है ना एक एक पाउच आप इजीली मतलब अपने कैबिनेट में रख के यूज़ कर सकते हो। तो ये वाले ना शॉर्ट हो गए थे, नहीं आ रहे, तो दूसरे सिंपल मेरा ख्याल है पाउच आ रहे हैं। तो वो मुझे काट के किसी चीज़ में डाल के यूज़ करना बहुत मुश्किल लगता है। और कोई ऐसे कोई इतने ब्रांड नहीं है जिनमें इस तरह के नोज़ल वाले पाउच आते हैं। तो फिर मैंने कहा चलें कोई और ट्राई कर लेते हैं, जब ये पाउच वाले आएंगे दोबारा ले आएंगे। तो फिर ना ये सीज़न कनोला लेके आए हैं, तो इसको ट्राई करते हैं कि कैसा है। अच्छा, मुझे इतनी आदत हो गई है ना कनोले ऑयल की कि जब मैं किसी और ऑयल में खाना बनाती हूँ ना या खाती हूँ तो मुझे मतलब टेस्ट चेंज पता चल जाता है कि किसी ऑयल में बना हुआ है। मुझे यहाँ तो सरसों के तेल में बना हुआ अच्छा लगता है खाना, या फिर इसी ही ऑयल में मतलब अच्छा लगता है। बहुत ही अब टाइम हो गया कि कोई और ऑयल यूज़ ही नहीं किया, और देसी घी में भी अच्छा लगता है। लेकिन वैसे वो हेल्थ इश्यूज़ की वजह से हम ज़्यादा देसी घी नहीं खा रहे होते, तो यही नॉर्मली बनाते हैं। तो अब ये मैं ट्राई करूँगी, देखूँगी किस किस्म का ऑयल है, तो अल्टरनेट तो मुझे मिल जाएगा अगर अच्छा हुआ तो। अगर आप लोगों ने यूज़ किया तो आप लोगों ने ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना है, ठीक है। आज इसी में जो है ना मैंने आलू गोभी बनानी है। तो अब जी गोभी को मैंने जो है ना स्ट्रेनर में डाल के अच्छी तरह वॉश कर लेना है, और बस फिर अब इसका जो है ना बाकी चीज़ें रेडी करती हूँ, चॉप कर लेती हूँ प्याज टमाटर मिर्ची अदरक लहसुन जो भी गोभी में होती हैं। और गोभी तो मेरा ख्याल है हर बंदे की फेवरेट और हर एक की बनानी आती है ना, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। तो ये मैंने मसाला इसका चॉप कर लिया है। मैं सब्ज़ी में ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाती, बस चॉप ही करती हूँ और ऑयल में बना लिया। अच्छा, मुझे ना थोड़ी सी मसाले वाली गोभी पसंद है, मुझे सूखी रूखी गोभी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अगर सूखी रूखी मसाला कम हो, अगर आपने ऑयल ज़्यादा डाल दिया तो वो बहुत ज़्यादा ऑयल फिर रहा होता है। तो मुझे इस किस्म की गोभी पसंद है कि थोड़ी सी ना उसका मसाला सा हो, बिल्कुल सूखी ना हो जाए, और मतलब बैठी हुई फिसी हुई जो होती है मैश किस्म की गोभी पसंद है। बट अब ये सीन है कि आलू मैंने इसलिए पहले डाले हैं क्योंकि ना आलू नहीं गल रहे आजकल जो आ रहे हैं, नहीं अदरवाइज़ मैं जो पोटैटो है ना वो जल्दी नहीं गलते। तो फिर मैंने भी इसलिए जो ना आलू अब काटे छोटे छोटे हैं कि जल्दी गल जाएँ, इनको पहले डाल दिया है। अगर मैं गोभी पहले डाल देती हूँ फिर बिल्कुल ही मलिदा बन जा रहा था भाई, इसलिए मैंने गोभी नहीं डाली। अब आलू थोड़े से सॉफ्ट हो गए तो फिर मैंने गोभी डाली, क्योंकि गोभी तो बहुत जल्दी जो है ना गल जाती है। और बस ये करके इसको दम पे रख देना है, और बस फिर जो है डिनर कर लेना है। और अच्छा, बताने का आप में से किस किस की गोभी फेवरेट है, हमारे घर में तो बहुत फेवरेट आलू गोभी। अच्छा जी, गुड मॉर्निंग। अब ये हो गई है जी सुबह, नेक्स्ट डे की मॉर्निंग का टाइम है और मैं लगी हूँ करने ब्रेकफास्ट। और काफ़ी टाइम हो गया कि मैंने फ्राई एग के साथ टोस्ट लिया हो, और यूजुअली मैं जो हूँ ना या तो ब्लू बैंड के साथ या पीनट बटर के साथ ही टोस्ट ले लेती हूँ चाय के साथ। तो आज मैंने एग फ्राई किया है, या फिर मेरा बॉयल एग होता है। आज मेरी बेटी मेरे साथ बैठी है ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो मैं कह चले एग फ्राई करती हूँ साथ, वो भी खा लेगी। वैसे तो वो खिलाना ही पड़ता है, मैं कह चले मैं भी कर रही हूँ तो वो एज एग फ्राई कर ही लेते हैं।
तो बस अब हम जो है ना नाश्ता करेंगे। हमने टीवी ऑन कर लिया है, कार्टून लिए हैं चला, और हम नाश्ता कर रहे हैं। बस यही नाश्ता आज का हमारा, टोस्ट है, एग फ्राई है, पीनट बटर है और एक कप चाय है। ये हम नाश्ता करेंगे और उसके बाद आज मैंने क्या करना है, आज जो सबसे बड़ा काम है ना वो है जी कपड़े प्रेस करना, जो बहुत ढेरों ढेर लगे हुए हैं लेकिन मैंने अभी तक प्रेस नहीं। आज कोई फुर्ती दिखाती हूँ, कुछ कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। और जो नए कपड़े होते हैं ना वो मेरा दिल करता होता है मैं खुद ही करूँ। अच्छा, मुझे कभी कभी दिल कर जाता है मैं उन्हें वॉश भी खुद ही कर लूँ, जो मैंने अभी एक आध दफ़ा पहना होता है, ये मेरे बहुत फेवरेट होते हैं। बस पहले तो मैं किचन को सारा बिल्कुल समेटूंगी, ठीक है, दूध शुद्ध बॉयल करके सारा समेट के, तो फिर मैं जी आयरन की तरफ पहुँचूंगी। ये मैंने कुछ शर्ट्स हैं अपने हस्बैंड की प्रेस करके हैंग कर दी हैं स्टोर रूम में, तो उसके बाद मैं यहाँ से उन्हें जो उनकी वार्डरोब में शिफ्ट कर दूँगी। और अपने कुछ मैंने सिर्फ 3 जोड़े किए हैं, तो उनको हैंगर में करके तो उसको अपनी वार्डरोब में रखूँगी। अच्छा जी, और यहाँ मैं आपको एक बहुत अच्छी सी बोतल दिखा रही हूँ, ये कॉम वाली बोतल है, ये मेरे किसी ऑयल की थी, मुझे नहीं याद, बहुत पहले की है। इसमें मैं मिक्स करके ऑयल रखती हूँ, इसे लगाना बहुत ही आसान हो जाता है। इस तरह पार्टीशन करते जाएं और इसके सारे कॉम में सुराख है, उसमें से ऑयल निकल आता है। मतलब ये कि आपको कोई वक्ता भी नहीं करना पड़ता, और किसी प्याली में डालो तो हाथों से लगाओ, ये वो ऑयल इधर गिर रहा है उधर। ऑयलिंग में हमेशा मिक्स ऑयल की करती हूँ, जैसे अभी इसमें जो फिलहाल मैंने मिक्स किया है ना, इसमें रोगनिया बादाम है, जैतून का तेल है, कोकोनट है और सरसों का ऑयल है। ये 4 तेल मैंने इसमें मिक्स करके रख ली हैं, जिसने भी ऑयलिंग करनी है इसी तेल से करनी है सर पे, ठीक है। इसके अलावा कद्दू, धनिया का तेल भी मैं डालती हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास ख़त्म हुआ है तो मैंने नहीं ऐड किया। तो इसके अलावा प्याज में एक होता है ऑयल आप बना के रखते हो सरसों का, तो वो भी हेयर फॉल के लिए बहुत अच्छा है, वो ख़त्म हुआ है, लेकिन फिलहाल मैंने 4 ऑयल ही मिक्स करके रखे हैं, तो यही करती हूँ। तो अब मुझे लग रही है भूख, और मैं अब क्या खाऊँगी, मैं खाऊँगी मटर पुलाव, मेरे फ्रिज में पड़ा हुआ था कल दोपहर का, बनाया था लेकिन बच्चे मेरे खाते ही नहीं है शौक से, तो वो मैं गर्म करूंगी और मैं एंजॉय करूंगी। अच्छा, बच्चों का बिल्कुल फेवरेट नहीं है, वो मटर निकाल निकाल के खाते हैं, लेकिन मुझे अब मटर पुलाव बहुत फेवरेट है, ठीक है। और यही सारा दिन इसी तरह गुजर जाता है, काम करते कराते खाते पकाते, बस यही रूटीन होती है, ठीक है। और आई थिंक आप लोगों की भी यही रूटीन होगी, और बस अब मैं इसका एंड करती हूँ वीडियो का। और आप लोगों ने जो है ना वीडियो को लाइक करना है, अगर आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर देना है चैनल को। और जी, मुझे अपनी दुआ में बहुत ख्याल ही रखना है, याद रखना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।